अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका बजट 50,000 से थोड़ा ऊपर का है तो कौन सा फ़ोन बेस्ट है आपके लिए। इधर मैंने तीन फ़ोन सेलेक्ट किए हैं। अगर आप 50,000 से ऊपर कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई ले सकते हैं। कि कैमरे वगैरह किस फ़ोन में आपको ठीक मिलेंगे, बैटरी किसकी अच्छी है, और ख़ास तौर पर अगर आपने पबजी खेलने के लिए फ़ोन लेना है 50,000 से ऊपर तो कौन सा आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो फ़ोन मैंने सेलेक्ट किया है वो तो आप किलर कह सकते हैं, फ्लैगशिप किलर कह सकते हैं, यानी कि फ्लैगशिप वाला फोन आपको मिड रेंज, थोड़ा हाई मिड रेंज कह सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिल रहा है। ये Xiaomi का Mi 10T वाला फोन है जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया गया है 70,000 की प्राइस में, लेकिन ये पाकिस्तान में आपको 65,500 में मिल जाता है। फैसलाबाद में अगर आपने लेना है तो अजीम मोबाइल कचहरी बाजार के अंदर शॉप है सदीक प्लाजा में, तो उधर से आप ले सकते हैं। तो जो दोस्त पूछ रहे होते हैं उनके लिए मैंने ये एड्रेस बताया। ये फोन तबाही किस्म का इसलिए है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 वाला चिपसेट मिलता है बहुत ही कम प्राइस के अंदर, 65,000 के अंदर आपको ये वाला चिपसेट मिल रहा है। ये नहीं है कि प्रोसेसर ही ठीक है, बाकी ओवरऑल फोन भी काफी डिसेंट है। इसमें आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिलता है, फ्रंट और बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट है, एलसीडी वाला डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज का, तो ये यूनिक किस्म का डिस्प्ले है, काफी फास्ट आपको फील कराएगा ये, और HDR 10 प्लस की सपोर्ट भी है और काफी ब्राइटी डिस्प्ले है। 6.67 इंच का एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है, फास्ट स्टोरेज टाइप है UFS 3.1 वाली, 3 कैमरे बैक पे है 64 मेगापिक्सल का जिसमें मेन है 8K अल्ट्रा वाइड है, तो टेलीफोटो लेंस वगैरह इधर आपको नहीं मिलेगा। 20 मेगापिक्सल की फ्रंट पे सेल्फी या स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, टाइप सी का ऑप्शन है, साइड बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर है, तो ये काफी बेस्ट फोन है। 50,000 अगर आपने जमा कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेट करें, आसपास से पैसे पकड़ लें किसी रिश्तेदार से और 10-15,000 अरेंज करके इस वाले फोन को ले सकते हैं अगर आपने तबाही किस्म की पबजी खेलनी है तो। अदरवाइज आपको और फोन बताता हूँ जो कि कम प्राइस में ही आपको मिल जाएंगे। ओप्पो नैनो 4 है, 60,000 का है, इसकी भी प्राइस आपको थोड़ा 3-4,000 डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। तो ये वाला फोन उन यूजर के लिए भी है जो कहते हैं कि Xiaomi का हमने फोन नहीं लेना, तो Oppo Vivo के फोन आपको फिर इसी तरह की मिलते हैं जो कि आपको मैनेज करने पड़ेंगे, और Samsung का फोन भी अगर आपने लेना है तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो मैंने आपको फोन पहले बताया है Xiaomi वाला। तो Oppo के इस फोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाएगा 6.4 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, स्नैपड्रैगन 720G वाला इसमें चिपसेट है, 8GB की रैम है, 128GB स्टोरेज है, 4 कैमरे बैक पे हैं, 48 मेगापिक्सल का जिसमें मेन है, फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की डुअल सेल्फी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले में ही आपको मिल जाता है, 4015mAh की बैटरी है 30 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। तो इसमें बैटरी इसलिए भी कम रखी गई है क्योंकि ये 7.7mm की थिकनेस पे आता है और काफी यूनिक किस्म का स्लीकेस्ट फोन है, तो ये भी काफी ठीक ऑप्शन है अगर आपने ओप्पो का फोन लेना है तो इसको आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फोन है वो Realme 7 Pro है, ये वाला फोन काफी बेस्ट है। अगर आप Vivo की तरफ जाएंगे तो लेटेस्ट जो उसका फोन आया है वो Vivo V20 है इस प्राइस के आसपास, जिसमें आपको डिस्प्ले जो मिलता है वो वाटर ड्रॉप नोच वाला है। मैंने अक्सर यूजर्स को देखा है ये शिकायत करते हुए कि वाटर ड्रॉप नोच की वजह से वो फोन वो बाय नहीं करते, ओवरऑल उधर सेल्फी कैमरा है ना वो तबाही है, अगर आपने सेल्फी कैमरा लेना है तो Vivo की तरफ जा सकते हैं। तो Realme 7 Pro भी काफी बेस्ट ऑप्शन है। इस दफा इन्होंने सुपर एमोलेड का डिस्प्ले दिया है 1080 पिक्सल की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 60 हर्ट्ज वाला ये नॉर्मल डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 720G वाला इसमें भी चिपसेट मिलता है। ये Realme का 7 Pro हो गया, पुराना 4 सीरीज होगी और इसके साथ Vivo का V20 वाला फोन हो गया, तीनों में सेम यही प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G वाला ही, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज है, बैक पे 4 कैमरे हैं जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन है, इसमें भी टेलीफोटो लेंस कैमरा नहीं मिलेगा आपको, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है डिस्प्ले के अंदर ही, 4500mAh की बैटरी है और 65 वाट का इसमें तगड़ा फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये तीन फोन थे काफी किलर किस्म के जो मुझे इनमें से ठीक लगा है। बहुत ही बेस्ट फोन है वो Xiaomi Mi 10T ही है जो कि प्रोसेसर की वजह से नंबर ले चुका है और डिस्प्ले वगैरह बिल्ट वगैरह कैमरे वगैरह भी काफी ठीक है। पैसे थोड़े आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन फ़ोन काफ़ी कमाल का मिलेगा। अगर आप Samsung की तरफ जाते हैं तो इस प्राइस रेंज के आसपास आपको Samsung Galaxy A71 वाला फ़ोन ही मिलेगा 65,000 के करीब, उसमें भी प्रोसेसर आपको इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सा फ़ोन ठीक लगा है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।